ऑफ पार्टनर्स। टॉपिक है आपका फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो आपको कितने अकाउंट मेंटेन करने हैं? जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। एक बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, नाम देखो पूरा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर का आपको नाम लिखना है, जैसे राम श्याम, राम कैपिटल अकाउंट, राम करंट अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन करंट अकाउंट, ठीक है, इस तरह से आसिफ कैपिटल अकाउंट, आसिफ करंट अकाउंट, दैट्स इट। इस तरह से आपको मेंटेन करने हैं। दोस्तों पहले कैपिटल अकाउंट सीखते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर है आपका ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें डेट की जरूरत नहीं है आपको, कॉलम डेट का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सेम यहाँ पे लिखना है आपको, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करते हैं पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा बैलेंस बीडी। किसका बैलेंस लिखना है आपको? कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स का कितना बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसकी एंट्री करनी है आपको बाय बैंक अकाउंट के नाम से, एडिशनल कैपिटल, ठीक है दोस्तों, दो एंट्री आएंगी इस तरफ। इसके बाद अगर कैपिटल विड्रॉ कर ले, कैपिटल विड्रॉ मतलब आपने अपनी फर्म में 1,00,000 रुपये इंट्रोड्यूस करा, दिवाली का समय आया, आपकी सेल बहुत अच्छी खासी हो, क्योंकि सीज़न होता है, सीज़न में सेल अच्छी होती है, सीज़न ख़त्म, आपको लगता है कि आपकी कैपिटल में पहले से पैसा ज़्यादा है, पैसा कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने उस पैसे को, दोनों पार्टनर ने 50,000 विड्रॉ कर लिया, दोनों पार्टनर का हो गया 50,000, पैसा घट के 50,000 रुपये आ गया, तो उसे बोलेंगे कैपिटल विड्रॉ। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग। ड्राइंग तो सिंपल होता है, ये कैपिटल विड्रॉ का मतलब कैपिटल आपने विड्रॉ कर ली, कैपिटल निकाल ली है। तो जगह अगर आपका कैपिटल विड्रॉ होगा तो यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, कैपिटल विड्रॉ, बैंक के नाम से आप एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट, क्या है ये, कैपिटल विड्रॉ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सीडी, जितना यहाँ पर है टोटल करके आपको ये माइनस कर देने हैं तो आपका ये बैलेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अभी एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, पहले करंट अकाउंट अपना तैयार करना सीख लेते हैं। सपोज़ आपका करंट अकाउंट का भी कुछ बैलेंस होगा, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस को आपको यहाँ लिखना है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को आपको यहाँ लिखना है, ये डेबिट साइड है आपकी, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड को आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको कुछ रिजर्व का शेयर मिला, जनरल रिजर्व GR, इसके अलावा आपको कोई प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट यहाँ पर लिखना है, कोई सरप्लस मिला आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिला, कुछ भी मिला, सैलरी मिली, जैसे पार्टनर सैलरी आपको यहाँ एंट्री करनी है, पार्टनर को कमीशन मिला यहाँ, ठीक है दोस्तों। ये सैलरी जो है ना पार्टनर की है, कमीशन भी पार्टनर का है, मैंने बताया पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी मिलेगा उसकी एंट्री, कुछ भी मिले, शेयर प्रॉफिट मिले, सैलरी मिले, कमीशन मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा इसके अंदर, बाकी सारी एंट्री आपको यहाँ कर देनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा,
इसके अलावा ड्राइंग आएगी, जितनी भी पैसे विड्रॉ करें ड्राइंग ड्राइंग यहाँ पर आए। एक एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन होगा आपका और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देयर कैपिटल स्टूड रुपीस 2 lakh एंड रुपीस 1 lakh रेस्पेक्टिवली। 2 lakh रुपये मिस्टर एक्स की कैपिटल है और 1 lakh रुपये मिस्टर वाई की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा है ज़रा देखना, कुछ एडजस्टमेंट लिखी है, ज़रा देखना एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है आपको 12% का देना है टोटल। इंटरेस्ट पर ड्राइंग है आपका 12%। ठीक है दोस्तों, पर एनम है ये भी। इसके बाद है मिस्टर एक्स की सैलरी। मिस्टर एक्स की सैलरी है आपकी 5,000 पर मंथ। मिस्टर वाइज कमीशन, कितना कमीशन है टोटल कमीशन दिया आपको 30,000 का कमीशन है मिस्टर वाई का। इसके बाद ज़रा देखना दोस्तों, एक्स की जो ड्राइंग है ₹20,000 एंड वाइज ड्राइंग ₹10,000। ड्राइंग भी आ गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना है ₹50,000। मतलब आपका जो प्रॉफिट है, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, इसके बाद है आपका ₹50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा, कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो मेंटेन करने हैं, मैंने आपको बताया, और फ्लैक्चुएटिंग है तो आपको केवल कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। दोस्तों पहले समझते हैं फिक्स में कैसे सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन में। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं, कैसे बनेगा। पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दो पार्टनर हैं, एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, दो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और दो ही करंट अकाउंट बनाने हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट, तो मैं दोनों का एक साथ बनाऊंगा, ज़रा देखो कैसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मतलब एक ही के अंदर दोनों बना देते हैं। पहला कॉलम जो है मिस्टर एक्स के लिए है, दूसरा कॉलम जो है मिस्टर वाई के लिए है। आसान हो जाएगा थोड़ा सा। क्रेडिट साइड डेबिट साइड, यहाँ पर आपको लिखना है पार्टिकुलर और यहाँ पर आपको लिखना है पार्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे आप, केवल बैलेंस डालेंगे कैपिटल के, बैलेंस BD कितना 2 lakh रुपये
1,00,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में? नहीं। क्या कैपिटल विड्रॉ है? ड्राइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉ नहीं, तो इसमें कोई एंट्री है ही नहीं आपकी। तो आपको क्या करना है, इस तरफ भी आपको बैलेंस सीडी लिख देना है, कितना, 2,00,000 और 1,00,000। दोस्तों कंप्लीट हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, 2,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000। दोस्तों जो ये वाला बैलेंस है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा है ये? ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो ये वाला बैलेंस है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब ओपनिंग बैलेंस का मतलब है ये 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस है, तो ये 31 मार्च 2020 का बैलेंस है। तो आपको समझो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बराबर, नो चेंज। मैंने अभी क्या बताया था, कैपिटल में उतार चढ़ाव नहीं आता, कैपिटल फिक्स रहती है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फिक्स रहती है। समझ आ गया आपको इतना? ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपका तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, दोनों पार्टनर का एक साथ बनाएंगे करंट अकाउंट भी, जिस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करा है। दोस्तों इसी तरह से आप तीन पार्टनर का भी बना सकते हैं, तीन कॉलम बना देने हैं आपको, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्स वाई क्रेडिट डेबिट एक्स वाई, अभी मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है, फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी एंट्री करंट अकाउंट में आएंगी। करंट अकाउंट में सभी एंट्री आएंगी, केवल कैपिटल को छोड़ के। करंट अकाउंट में भी आपको ओपनिंग बैलेंस डालने होते हैं, बैलेंस बीडी, किसके, करंट अकाउंट के। क्या क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है? नो। 1 अप्रैल का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो आपको एंट्री करनी नहीं है, इसे छोड़ देते हैं खाली। इसके बाद आपको मैंने जो एंट्रीज बताई थी, ज़रा आप एंट्रीज देखते चलो। यहाँ पर है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% कैपिटल का निकालना है आपको, ओपनिंग बैलेंस का 2,00,000 का 10% आएगा आपका, 20,000, और 1,00,000 का 10% आएगा 10,000। पहले एंट्री खत्म। आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोस्तों इस तरफ आएगा, इंटरेस्ट ऑन कितना आएगा, 12%। ड्राइंग कितनी है क्वेश्चन में लिखा है, 20,000 10,000, 20,000 का 12% आएगा 2,400। ऐसा नहीं करना आपको, नहीं करना ऐसा दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, आपको एक बात याद रखनी है, 6 महीने का निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1 साल का नहीं निकलता। मगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1 साल का निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का क्यों बोल रहा हूँ, आप इसको छोटी सी बात समझ लीजिए आप। बाकी जब ड्राइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा क्या मतलब है इसका। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है, ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और ख़त्म होने जा रहा है आपका 31 मार्च को, 1 साल पूरे 12 महीने। क्या आप 1 अप्रैल को ड्राइंग करोगे, मिस्टर एक्स की ड्राइंग है 20,000, क्या सारा पैसा 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया? अगर सारा पैसा 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया तो पूरे 12 महीने हो गए। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई भी पार्टनर, कोई भी ओनर एक ही दिन सारे पैसे विड्रॉ कर ले बिजनेस से? नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेगा। तो ये जो 20,000 है तो टोटल है ना पूरे साल की। हो सकता है कुछ पैसे 1,000 अप्रैल में निकाले हों, 1,000 मई में, 1,000 जून में, अगस्त में 2,000, तो इस तरह करके टोटल कुछ पैसे जनवरी फरवरी में निकाले हों, कुछ पैसे मार्च में भी निकाले होंगे, तो इस तरह करके टोटल है तो 20,000। तो क्या इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालूं मैं? तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि जब 1 साल की ड्राइंग ही नहीं है, 1 साल का इंटरेस्ट जब लगता है जब आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिए होते सारे पैसे, बट ऐसा तो विड्रॉ नहीं है 1 अप्रैल को, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि सारे पैसे आप एक ही साथ विड्रॉ कर लें, क्योंकि जैसे जैसे यू नीड आती है इंसान को वैसे वैसे यूज़ करता है, वैसे वैसे पैसे निकालता है। सपोज करो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है,
आपको पूरे साल बैंक अकाउंट से पैसा आप निकालते हो और यूज़ करते हो, क्या सारा पैसा एक दिन निकाल के लाओगे पूरे साल का? नहीं, आप लाओगे पैसा 10 दिन 5 दिन यूज़ करोगे, फिर दोबारा विजिट करोगे बैंक में। तो इसी तरह से जैसे आप बैंक से पूरे साल पूरा सारा पैसा एक साथ नहीं निकाले, तो क्या बिजनेस से सारा पैसा एक साथ निकालोगे? तो आंसर है आपका नो। तो इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? जितने आपने जब पैसा विड्रॉ करा है उतने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में पैसा विड्रॉ करा है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आपने दिसंबर में विड्रॉ कराया तो 4 महीने का लगेगा। आपने अक्टूबर में कराया तो 6 महीने का लगेगा। मगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको क्या करना है, टोटल एवरेज मान के चलना है 6 महीने। ठीक है, 6 महीने क्यों मान रहे हैं हम? ये मानेंगे कि कुछ पैसा अप्रैल मई जून हर साल थोड़ा पैसा हर महीने थोड़ा पैसा निकाला है पूरे साल में, इसलिए 6 महीने एवरेज आ गया। बाकी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ड्राइंग तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएंगे, इसके अलग अलग केसेस आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको माइंड में, ड्राइंग पे कभी भी इंटरेस्ट एक साल का नहीं लगेगा। कुछ भी मेंशन ना हो तो 6 महीने का लगेगा, नहीं तो जितने महीने हैं जितने मंथ दिए हैं उतने मंथ्स का यूज़ करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लगाना है। किसका? 2000 का। कैसे निकलेगा? ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। 20,000 का 12% एक साल का नहीं 6 महीने का, 6/12 आएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 1200। इसी तरह से दूसरा कितना आएगा, 10,000 का 12% और 6 महीने का ये भी, तो आपका ये आएगा 600। तो मिस्टर एक्स का है 1200 और मिस्टर वाई का है 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट है। ड्राइंग की एंट्री भी कर देते हैं यहाँ पर। ड्राइंग्स कितनी हैं, 20,000 एंड 10,000, ये भी कंप्लीट हो गया, ये वाली एंट्री भी कर दी। ज़रा सैलरी की एंट्री देखो कैसे होगी, किसकी सैलरी है, एक्स की। तो एक्स की सैलरी, एक्स के कैपिटल अकाउंट में डालनी है 5,000 पर मंथ, एक साल की, एक महीने की नहीं लेनी आपको, एक साल की लेनी है। कितनी आएगी, 60,000, क्योंकि 5,000 को आपने 12 से इनटू करना है 60,000। मगर कमीशन जो है मिस्टर वाई का, इस पर कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट एंट्री करनी है। वाइज कमीशन कितना है आपका, 30,000 का कमीशन है मिस्टर वाई का। ठीक है दोस्तों, ये भी एंट्री क्लियर हो गई, ड्राइंग की एंट्री हो गई। प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड कितना करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका 50,000, इधर एंट्री करनी है प्रॉफिट की। अगर ये लॉस होता तो इधर एंट्री होती। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट है इसलिए इधर एंट्री करनी है। तो किस नाम से करोगे आप, प्रॉफिट शेयर लिख दो आप, प्रॉफिट का शेयर, या आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बेटर है, ये नाम आप लिखना चाहिए आपको। ठीक है, कितना आएगा, 50,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, तो आपका आएगा ये 30,000 एंड 20,000। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया आपको ये। ठीक है, इसके बाद आपको जब आपका कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो चुका है, करंट अकाउंट मेंटेन हो चुका है, इसके बाद आपको बैलेंस निकालना है। किस तरह से बैलेंस निकालना है आपको, इसका टोटल करना है 20, 60, 80, 30, 1,10,000। तो इसमें से इसको माइनस करो दोनों को, तो आपका आएगा ये 88,800। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस तो ज़ीरो था, क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 88,800। तो आपका ये हो गया 1,10,000, दोनों साइड इक्वल। ऐसे मिस्टर वाई का करो, 50,000-60,000 हो गया आपका, ये 60,000 में से ये माइनस करो तो आपका आएगा 49,400। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया, दैट इज़ करंट अकाउंट, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन गए। अगर क्वेश्चन फिक्स मेथड का आता है तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। दोस्तों ये ना आपका ये टॉपिक आपका एडमिशन में भी यूज़ होगा, रिटायरमेंट में भी यूज़ होगा, डेथ में भी यूज़ होगा, रिजोल्यूशन में भी यूज़ होगा, ये टॉपिक आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरियों में भी यूज़ होगा। आपका ये टॉपिक हर जगह यूज़ होना है, इसलिए पार्टनरशिप जहाँ पर है, जहाँ पर जब आपके 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 सामने पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट आएगा तो आपके सामने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट ज़रूर आएगा।